إذا قربت ساعة يا لها وزلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى كمر السحاب تَرَى حَالَهَا وَتَنفَطِرُ الْأَرْضُ مِنْ نَفْخَةٍ هُنَالِكَ تُخْرِجُ أَثْقَالَهَا وَلَا بُدَّ مِنْ سَائِلٍ قَائِلٍ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ مَا لَهَا مِنَ الناس إذن ما لها من الناس يومئذ إذن ما لها تحدث أخبارها ربها إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون إنساني زندقي कितनी ही लंबी हो जाए बिल आखिर इसने ख़त्म हो जाना है दुनिया कितनी ही रंगीन क्यों ना हो बिल आखिर इस दुनिया ने लपेट दिया जाना है क़यामत की घड़ी कायम होकर रहने वाली है इंसान चाहे इस क्यामत की तैयारी कर ले अल्लाह के दरबार में पेश होने के लिए जद इकट्ठा कर ले और चाहे दुनिया की ज़िंदगी में जानवरों की तरह खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना सिर्फ इसी काम पे इतफा कर ले उसकी मर्जी है लेकिन इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए कि एक दिन हशर का मैदान बरपा होने वाला है आइए क़ियामत की इन्हीं निशानियों पर गुफ्तु करते हैं इन्हें कहा जाता है अशरात उमत की क़ियामत की ये दो किस्म की हैं एक छोटी निशानिए जिनमें से अक्सर पूरी हो चुकी हैं और एक बड़ी निशानियां जो क़ियामत के बिल्कुल करीब जाकर जिनका जहूर होगा इन निशानियों में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मबूस होना क़ियामत की निशानियों में से एक निशानी है सही बुखारी में है रसूल सरमाते हैं बोस्तु वह ने मुझे भेजा है अब मेरे बाद आने वाली चीज़ कियामत है मैं और कियामत इस तरह है क्यों मैं आखिरी नबी हूँ अब क़ियामत तक किसी और नबी ने नहीं आना मैं आखिरी नबी हूँ तुम आखिरी उम्मत हो अब जो चीज़ आएगी वो नबूवत नहीं कोई और नबी नहीं बल्कि वो क़ियामत ही आएगी मैं और कियामत इस तरह भेजे गए दूसरी रिवायत में है आपने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे क्यामत के आगाज़ पर भेजा है बाकी अम्बिया आए गुजर गए नबी के बाद नबी आते रहे उम्मत के बाद उम्मतें आती रहीं लेकिन हमारे इमाम हमारे कायद हमारे रहबर वसल्लम आखिरी नबी अब क़ियामत आएगी कोई और नबी नहीं आएंगे क़ियामत आएगी आप आखिरी उम्म हैं आपके बाद कोई और उम्मत नहीं रसूल सल्ला वसलम की वफात ये भी भीमत की निशानियों में से एक निशानी है अल्लाह के नबी अलैहि आ सलातलाम का फौज हो जाना दुनिया को छोड़ जाना अगले जहां की तरफ मुंतकिल हो जाना अल्लाह की जन्नतों के मेहमान बन जाना आपकी वफात क़ियामत की निशानियों में से एक निशानी है सही बुखारी में है सैद नाफ बिन मालिक रबी अल्लाहरदा फ़रमाते हैं तबू के मौके पर मैं रसूल सल्ला वसलम की ख़िदमत में हाजिर हुआ आपने फ़रमाया फ़रमायामत से पहले छः निशानियों को शुमार कर लो छः चीज़ें याद कर लो छः निशानियाँ गिन लो क़ियामत से पहले उनमें सबसे पहली चीज़ मेरे नबी ने फरमाया मेरी वफ़ात और यह हदीस कहाँ है सही बुखारी में उम्म का इजमा है उम्म इकट्ठी है इस बात पर कि कुरान के बाद सही तरीन किताब कौन सी है सही बुखारी और नबी फरमाते हैं क्यामत से पहले छह चीजें गिलो उनमें पहली चीज मोहम्मद मुस्तफ़ा की वफात जो लोग इनकारी हैं कि अल्लाह के नबी तो फौत नहीं हुए आप तो जिंदा हैं एक सेकंड के लिए एक लम्हे के लिए जैसे हंडिया को मोमबत्ती चराग के ऊपर रख दिया जाए वो बुझता नहीं है छुप जाता है इसी तरह अल्लाह के नबी ने पर्दा किया है बस आप मौजूद हैं हमारे साथ हैं हर वक़्त हैं हादिर नादर हैं आलमल़ैब हैं आप पर मौत वाके नहीं हुई जो ये कहे मोहम्मद मुस्तफ़ा पर मौत वाके हुई आप फौत हुए वो गुस्ताख है वाजिबुल कतल है सही बुखारी की ये रिवायत इन तमाम अकीदों को पाश पाश कर रही है मुस्तफ़ा खुद फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु वसल्लम क्यामत से पहले छह चीजों को शुमार कर लो उनमें पहली चीज मेरी वफात दूसरी बैतुलमकद का फ़तह होना फिर वो जबरदस्त वो बहुत बड़ी मौत जो बकरी की एक बीमारी की तरह फैलेगी और दुनिया उसके अंदर मर जाएगी बहुत बड़ी तादाद लोगों की उसका शिकार हो जाएगी माल की कसरत माल इतना आम हो जाएगा किसी को सौ दिनार दिए जाएंगे तो वह राजी नहीं होगा सौ दिनार को बड़ी हल्की चीज समझेगा वो हजारों में राजी होगा माल की कसरत होगी फिर एक ऐसा फितना नमूदार होगा जो अरबों के घर में दाखिल हो जाएगा फिर तुम्हारी बनवासर यूरोप अमरीका रोम इनके लोगों से सुलह होगी मगर वो तुम्हारे साथ बदहदी करेंगे फिर तुम्हारी तरफ अस्सी झंडों के तले वो इकट्ठे होंगे हर झंडे के नीचे बारह हजार फौजी होंगे रसूल करीम सल वसलम की वफात साहबा क़राम के लिए बहुत बड़ा हादिसा बहुत बड़ा सानहा था इसीलिए जब साहबा क़राम पे कोई मुसीबत आती कोई गम आता कोई परेशानी आती तो दूसरे साहबा उनको उनकी परेशानी हल्की करने के लिए मुस्तफा की मौत की परेशानी याद दिलवा दे कि ठीक है तुम्हें यह गम तो है लेकिन देखो हमें इससे बड़ा गम इमाम की वफात का गम है उस गम के मुकाबले में तुम्हारा यह गम बहुत हल्का है और खुद मेरे नबी करीम अलैहि वसल्लम ने भी बयान फरमाया एक वक्त आएगा मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद नहीं होंगे उस वक्त इंसान चाहेगा काश उसका सारा माल उसके अहलो उसके बीवी बच्चे, वो माल भी कुर्बान कर दे बीवी बच्चों को भी कुर्बान कर दे और उसके बदले में सिर्फ मोहम्मद करीम के चेहरे का एक मरतबा दीदार ही कर सके मेरे बात चाहेंगे लोग पूरी दुनिया लुटाकर मुस्तफा के प्यारे हसीन चेहरे की एक झलक देख ली जाए लेकिन लोगो तुम मुझे अपने दरमियान नहीं पाओगे ये कहने वालों सुना है हर आशी के घर तशरीफ लाते हो हमारे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह नबी क्यों कह रहे हैं तुम मुझे नहीं पाओगे तुम चाहोगे सारा माल लूट जाए माल कुर्बान कर देल कुरबान कर दे पूरी दुनिया अगर अहल ईमान के हाथ में हो वो पूरी दुनिया कुर्बान करके ये चाहेगा कि मुझसे मेरी दुनिया ले लो मुस्तफा की झलक एक मरतबा मुझे दिखा दो तो वो कहाँ गए जो कहते हैं कभी नबी मदीना में कभी कराची में कभी रायवंड में कभी देवबंद में कभी चखवाल में ये मौलवियों के पेट का धंधा है मुस्तफ़ा अल्लाह की जन्नतों में है आपकी खबर जन्नत का बाघ बन चुका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी चांद का दो टुकड़े होना कुफारे मक्का ने आकर इमाम कायनात इमाम उल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिमांड की थी कोई निशानी दिखाइए कोई मुआजा दिखाइए कुरान बयान फरमाता है एक तौरबती क़यामत करीब हो गई चांद दो टुकड़े हो गया

बट जाने का मंदर उन्हें दिखाया चांद दो टुकड़ों में बटा और ये मेरे नबी का मुआवजा है मुआवजा नबी के हाथ पे होता है अल्लाह के हुक्म से होता है मुआवजा किसके हाथ पे होता है अभी तो मुआवजे के दावेदार बहुत लोग हैं ना मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी कहता है मेरा भी एक मुआवज़ा है और मेरा मुआवज़ा क्या है कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया था शुगर का मरीज हो गया था कुत मरदमी मेरे अंदर से बिल्कुल खत्म हो गई थी बूढ़ा था शुगर का मरीज था दांत मेरे गिर गए थे कुत मरदमी खत्म हो गई थी फिर भी मेरे बेटा पैदा हुआ हम कहते हैं मिर्जा साहब ये आपका मुआवजा नहीं आपकी बेगम का मुआवजा लगता है बगैर बंदे उतर दे देता उन्हें आपसे बड़ी नबी तो ये लगती है पाकिस्तान के अंदर एक नया मुआवजा आया है एक पाकिस्तानी ने ऐलान किया है कि देखो मेरे साथ मुआवजा हो रहे हैं मुझे बशारतें मिल रही हैं क्या मुआवजा है कहता मेरी कमर के ऊपर लिखा गया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दिन खामोश कुछ तो आपको समझ नहीं आया होगा ये हुआ क्या मैं तो बहुत ज्यादा परेशान था कि मेरे साथ क्या हो रहा है इसी वजह से मैंने उलमा से रास्ते किए फिर हजू पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत होना शुरू हो गई कि आप खामोश ना रहें आप इसे आम करें ये हमारा हुक्म है तो फिर हमने इसे जू जू आम करना शुरू किया एक चैनल पे बात चली दो अखबारों में चली उस टाइम तो मेरे जिसम भी इस अल्लाह का सर सिर्फ अल्लाह लिखा था तो हजारों लोगों ने आगे देखा तो पूरा कलमा मेरे जिसम पे आ गया मख्त जगहों पर आया वो चला गया लेकिन यहाँ जो पूरा कलमा आया वो अभी भी है उसके बाद मजदात होते गए ए कुरान पाक का तोहफा मुझे आ, मिला ये पे मिला है, ये। है। इन्ना लिल्लाही इन्ना तो उसके बाद मेरे माथे भी का नाम आ गया ये मैं वेट कर रही थी कि मैं आप लोगों को थोड़ा रुक के बताती लेकिन आप देख रहे हैं इस फसिफ भाई का जो जरा सामने देख लीजिएगा ये देख रहे हैं आप ये माथे पर

अल्लाह पूरी आयत लिखी हुई है ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी ये मुआवजा है मुझे मिला है मुसल्ला मिला है उस पर आयत लिखी हुई है अभी ये मुसल्ला नीचे बिछा के नमाज पढ़ा जाता है ना तो नारुद्ला कुरान की आयत जमीन पर बिछाई जाएगी और जालिम तो उसके ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ेगा अक़ल पता नहीं कहाँ घास चरने चली जाती है इन जालिमों की असल में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है कहता है और पास वो कोई नहीं एवें चार चंगे लबन गए हैं ये दुकानदारी ठीक है ये कारोबार ठीक है अरे बाथरूम में जाते हुए कुरान अल्लाह का नाम आयात वो साथ ले जाना जायज और वो ड्रामा कर रहा है कि मेरी कमर पे पूरा कलमा लिखा हुआ वो बाथरूम नहीं जाता उसकी बीबी को भी मुजे मिले हैं कि वो रोटी पकाती है उस पर अल्लाह लिखा जाता है उस पर मोहम्मद लिखा जाता है तवे के ऊपर अल्लाह मोहम्मद आग के ऊपर दावा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती तू अपनी बीवी के साथ मिलता है ये कलमा तेरे साथ है ये माथे पर अल्लाह लिखा हुआ है क्या ये रब की की और उसके रसूल के नामों की तो नहीं है टेलीविजन वालों ने भी कमाई करनी होती है समा टीवी ने उसका पूरा ड्रामा दिखाया दूध का प्याला मुझे मिला उसमें दो फूल थे और छह दिन से वो ना दूध खराब होता है ना फूल मुरझाते हैं उसके बाद दूध का प्याला जो हम उसके उसके बाद काफी दोबारा बिछारा थी कि आप इसे आम करें आप जो मतलब खामोश दूर्ट ना रहें। पहला भी आपको भी तोर पे जी ये ये मिला ये कुछ कि मैं एक दिन की नमाज पढ़ के ऐसे परेशान होकर बैठा हुआ था कि ये दूध का कि इतने पाकिम की बिछारते हैं और अल्लाह के हुक्म को हम आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन कोई बढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं आगे तो सहीदे में जाकर रोने लगा और अब तक आपकी पीठ पर वाजे लक्ष्य हो चुका था अच्छा और कुरान पाक आपको गैबी तौर पर हवा में इस तरह नजर जी, आने लगा जी, ये ये, आप ये हाँ में। मैंने इसको उठाया खुद उठाया, जी, 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 उठाया। बगैर सारे के था ये और ये दूध जब मैसेजे में जाके रोने लगा तो जैसे उठा मेरे आगे ये दूध और ये फूल उसी तरह तरह ताजे अभी भी ये दूध उसी तरह है इसका जायका भी उसी तरह है अभी भी ये दूध और ये गुलाब के जो फूल है ये लेकिन ये फूल भी इसी तरह ताजा ही है ये कब ये है। कब मिला आपको ये एक हफ्ता पहले की बात है जिससे जिस मेरा हौसला करने से भी पहले दो तीन दो तीन दिन हाँ, पहले जिससे मेरा और हौसला बढ़ गया अरे मौजज़ात खास हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ अंबिया के साथ अंबिया की जमात के, के साथ और मुस्तफा के जाने के बाद अगर कोई गैर नबी मौजज़े का दावा करता है रब्बे मोहम्मद की कसम वो मुसलमान नहीं रहता काफिर हो जाता है नबिया मुफा के बाद कोई नबी नहीं जब कोई नबी नहीं है तो कोई मुआजा भी नहीं है कभी तो चकवाल के अंदर पांच फुट का पाव बनाकर कहते हैं जी ये अल्लाह के नबी का कदम लगा है हमारे घर के अंदर अल्लाह के नबी मेरा ईद मिलाद की रात हमारे घर में आए थे और कोई कहता कि वहां दूर है जाना और इतना बड़ा कदम साबित करना भी दूर है अपनी कमर पर लिखवा लो खुदवा लो और फिर टी पे आ जाओ दुनिया चंदा देने के लिए आपकी बैत करने के लिए पहुंच जाएगी मौजात खास अंबिया के लिए हैं उससे पूछा ये कैसे तुझे मौत मिले कहता मेरे माँ प्यो दी दुआ ने बाकी सारी दुनिया के माँ बाप अपनी बच्चों के लिए बदुआएं करते हैं तेरे प्यो ने वद... अनोखी दुआ की थी ये ड्रामा है ये धोखा है ये फ्रॉड है ये इस्लाम को बदनाम करने के तरीके हैं जब लोगों का एतमाद इस पे बहाल हो जाएगा कि वाकई ये कोई पहुंची सरकार है वो जो मुंह से निकालेगा पब्लिक मानने के लिए तैयार हो जाएगी ये शैतान के एजेंट हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत को बदलना चाहते हैं अलैहि वसल्लम के सहाबी अब्दुल्ला मसूद फरमाते हैं हम मीना में थे चांद के दो टुकड़े हुए एक टुकड़ा पहाड़ी के अगले तरफ जा गिरा एक पिछली तरफ जा गिरा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने चांद के दो टुकड़े होते देखे हैं तुम गवाह रहना ये मेरे आका का मौजज़ा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के निशानियों में से एक निशानी प्यारे हबीब अलैहि आ सलाम के प्यारे अहाब का इस दुनिया से उठ जाना मेरे नबी के सहाबा का चला जाना आका अल सलासलाम फरमाते हैं सही मुस्लिम के अंदर ये हजीत है तारे आसमान के लिए अमान हैं जब तक तारे रहेंगे आसमान के लिए सलामती है और जब तारे छट जाएंगे तो फिर वो कायम हो जाएगी यानी क़्यामत आ जाएगी मैं अपने सहाबा के लिए अमान हूँ जब तक मैं रहूंगा, मेरे सहाबा अमन सकून शांति के साथ सलामती के साथ रहेंगे मेरे सहाबा मेरी उम्मत के लिए अमान हैं जब सहाबा को उठा लिया जाएगा फिर उम्मत पर वो कुछ आएगा जो इनसे वादा किया गया है तो मेरे नबी करीम वसल्लम के सहाबा का इस जहां से उठ जाना ये क़्यामत की निशानियों में से एक निशानी है दूसरी रिवायत में है कि नेक लोगों के उठ जाने के बाद इंतहाई बुरे लोगों पर क़्यामत कायम होगी क़ियामत क़याम शरीर लोगों पर होगा बदतरीन लोगों पर होगा और ये इतना शदीद क्याम होगा अगर कोई अपना कपड़ा बेचने के लिए खोले हुए है क़्यामत कायम हो जाएगी उसे कपड़ा समेटने की मोहलत ना मिलेगी कोई लुकमा अपने हाथ में लिए हुए है खाने के लिए वो लुकमा उसके हाथ में रह जाएगा वो मुंह में नहीं डाल सकेगा और क़्यामत कायम हो जाएगी कोई अपने ऊँट को पानी पिलाने का तालाब लेप कर रहा होगा वो उसी हाल में होगा उसे उठने की मोहलत ना मिलेगी और क़ियामत कायम हो जाएगी क़्यामत की निशानियों में से निशानी, निशानी बैतुलब्द की फ़तह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो सही बुखारी के हवाले से हमने सुनाया उसमें आपने फरमाया छः चीजों को शुमार करो क्या से पहले और उसमें एक चीज़ बैतुलमकद की फतेह सदना फारूक आदम रज्लाजा के दौर में सोलह हिजरी में बैतुलमकद को फतह किया गया और मुसलमानों ने फिर दूसरी बार सुल्तान सलाहुलद्दीन ऐबी राही के दौर में पाँच सौ तिरासी हिजरी में इसको फतेह किया और फिर एक बार अल्लाह के हुक्म से अहले ईमान की जमात इसको फतह करेगी हत्या के दरख्त और पत्थर बोल उठेंगे हदीस पे गौर करना मुसलमानों की जमात मकदस को फतह करेगी यहूदी अल्लाह के साथ शिर करने वाले अपने नबी को अल्लाह का बेटा करार देने वाले दरख्तों और पत्थरों के पीछे पनाह लेंगे दरख्त और पत्थर आवाज लगाएगा ताल, ताल। इधर आओ कौन? हिंदी इधर आओ, पाकिस्तानी इधर आओ अरबी इधर आओ, आओ। अजमी इधर आओ ये तकसीम करेगा पत्थर एक ही आवाजा होगा ताल या मुस्लिम, या मुसलमान इधर आओ मोमिन की पहचान काले और गोरे से नहीं अरबी और अजमी से नहीं वतनों से नहीं टुकड़ों से नहीं जमीनों से नहीं मोमिन की पहचान यह है कि यह ला पढ़ता है मोहब्बत और नफरत की बुनियाद न गोरा होना न काला होना न वतनीयत न मुल्क न बिलाद न शहर मोहब्बत की एक ही बुनियाद है ये रब को मानता है मैं रब को मानता हूँ टाल या मुस्लिम या मुसलमान इधर आओ मेरे पीछे यहूदी छुपा है और इसे कतल कर दो इस हदीस पर रुकी अल्लाह के लिए और सोचिए पत्थर पे कौन सा नबी आया दरख्त को यह बात किसने सिखा दी कि ये मुशरिक है काबिल नफरत है नहीं लोगो अल्लाह की तोहीद अकीदा फितरत है इस अकीदे को पत्थर भी जानता है इस अकीदे को दरख्त भी जानता है हम कलमा पढ़ के ना समझना चाहें हमारी मर्जी है बेटी का रिश्ता आए डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर कार कोठी बंगले वाला लेकिन पता है कि ये कब्रों पे सजदे करता है पता है ये दरबारों का तवाफ करता है पता है ये यह अली मदद के नारे लगाता है पता है ये गैरुल्ला की पूजा करता है हम कहते मौली साहब एक गल्ला रह है डॉक्टर दरख्त जानता है, है तो छुपा है और इसे कतल कर दो पत्थर को यह तमीज है कि काफिर से मोमिन की मोहब्बत नहीं होती है काश कलमा पड़ने वाली कौम ये तमीज मेरे और तेरे दिल में भी पैदा हो जाए कि हम मोहब्बत करें तो इल्लल्लाह की बुनियाद पे नफरत करें तो ला इल्लल्लाह की बुनियाद में दें तो ला इल्लल्लाह की वजह से रोकें तो ला इल्लल्लाह की वजह से बाकी सारी वजूहात बोधी हैं मकड़ी का जाला है मोहब्बतों की बुनियाद ना सियासत है ना जमहूरियत है ना कुर्बानी की ख्याल है न रिश्तेदारिये हैं मोहब्बत की एक ही बुनियाद है ये मवाद है हम मवाद हैं ये मुशरिक है हमारा मुशरकों से मोहब्बत नहीं है बेटी बूढ़ी होकर घर में मर के इसका जनासा निकल जाए बर्दाश्त है लेकिन एक कबर पर सजदा करने वाले को मैं बेटी का हाथ निकाह के तौर पर नहीं दे सकता पत्थर हमें तुम तालीम दे रहा है मनहज सिखा रहा है आवाजें लगा रहा है एक मुशरिक से नफरत करके एक काफिर से नफरत करके अहले ईमान को पैगाम दे रहा है मैं पत्थर होकर मुशरिक से नफरत करता हूं तो मुसलमान होकर मुशरिक को कैसे गले लगा लेता है सियासत के लिए वोटों के लिए चंदे के लिए ये तो ईमान की गैरत नहीं है अल्लाह के लिए अल्लाह की तोहद को समझिए क्यामत की निशानियों में से एक निशानी ताउन की बीमारी का फैलना सही बुखारी में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन छह चीज़ों का जिक्र किया उसमें है मौतान और इससे मुराद बहुत कसरत से मौत बहुत बड़ी मौत बहुत ज़्यादा मौत का कुआसिल गनम जैसे बकरियों के नाक से एक बीमारी शुरू होती है वो फिर फैलती है रेवड़ के रेवड़ अयर के एएड़। तादाद उनकी बहुत बड़ी हलाक हो जाती है इसी तरह की बीमारी फैलेगी और इंसान उसका शिकार होंगे उम्मत इस्लामिया में यह वाक़ी वर्बा के दौर में वाक हुआ सरजमीन शाम के अंदर ताब उनका ये मरद फूट पड़ा और अल्लाह की मखलूक कसरत से मौत के मुंह में गई यहां तक के मुसलमान भी पच्चीस हजार की तादाद में फौत हो गए और ये बीमारी अहले ईमान के लिए रहमत है अहले कुफर के लिए आजाब है और अहले ईमान के लिए रहमत है इस बीमारी के अंदर बहुत से जलर सहाबा कर राम भी फौत होकर अल्लाह के पास चले गए क़्यामत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ितों का ूर फितनों का, का सैलाब अंधेरी रात की तरह रात शुरू होती है ना सूरज के गूब होने के बाद अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है हर पहर पिछले पहर से बढ़कर अंधेरा लेकर आता है और ये ऐसी निशानी है जो इस दौर के अंदर वाजे हो रही है और इंसान बुरी तरह इन फितनों का शिकार हो चुका है बदनजरी का फितना बहुत बड़ा फितना है मर्दों का गैर महरम औरतों की तरफ नज़र उठाना उनको देखना और उसके ऐसे मौके मुयसर हैं टेलीविज़न डिश केबल सीडीज, फिल्में गाने इंटरनेट अल्लाह हम सबको हिदायत अता फ़रमाए और इन फितनों से महफूज रखे अच्छे भले दीनदार लोग भी इस फितने का शिकार कैसे हो जाते हैं मोदी साहब मैंने पता है फिल्में देखनी तो गुनाह है मैंने पता है ड्रामे भी ठीक नहीं हैं मैं घर में टीवी लाया हूँ ख़बरों खबरों सुनने वास्ते हैं कभी कभी क्रिकेट का मैच भी देख लेना ज्यादा मैं खबरें खबर सुनाने के लिए माशाल्लाह अल्लाह की अलिया आकर सुनाते हैं ना खबरें सुनाने के लिए तो कोई बेहया और बेगैरत औरत नहीं आती होगी चैनल पे किसी का सर खुला नहीं होता होगा कोई सच धज के मेकअप करके नहीं आती होगी ये बदनजरी का फितना बहुत बड़ा फितना है और आज अक्सरियत अक्सरियत इस फितने का शिकार हो चुकी है अगर आप दस हज़ार घरों को छानबीन करेंगे शायद कोई एक घर मिलना मुश्किल हो जिसमें टेलीविज़न की बीमारी ना हो जिसमें गंदे चैनल ना चलते हों जिसमें बेगैरती के प्रोग्राम बेहयाई के प्रोग्राम गंदे ड्रामे गंदी फिल्में ना आती हों कहते जी आपने मानना नहीं है आप पुराने दौर के आदमी हैं ड्रामों के अंदर बहुत से ड्रामे बड़े किस्म के भी तो होते हैं कई फिल्में बड़ी सबक आमोज होती हैं मैं इन सारे भाइयों से एक ही सवाल करूंगा अल्लाह के लिए मुझे सिर्फ एक आदमी दिखा दो ज़्यादा की डिमांड नहीं करता सिर्फ एक आदमी जो माशाला ड्रामे फिल्में देख कर तहजद की नमाज पढ़ने लगा हो एक आदमी पूरी दुनिया छान लीजिए ड्रामे देख कर फिल्में देख के सबक आमोज किससे सुन सुन के उसने माँ मा बाप की खिदमत शुरू कर दी हो पांच वक़्त का नमाजी बन गया हो माशाल्लाह शेव करता हो फिर दाढ़ी माफ कर दी हो एक और मैं आपको बीसों ऐसे वाकयात सुनाऊंगा पांच वक़्त के नमाजी तहजद अदा करने वाले जो ही इस फितने के अंदर शिकार हुए नमाजें भी गई ईमान भी गया टी चैनल्स गंदे मैगजीन इंटरनेट की गंदी वेबसाइट्स वीडियो मोबाइल सीडीज़ गंदी तस्वीरें इनके ज़रिए गंदी फिल्में इनके ज़रिए और बड़ी मोहब्बत से आज जुमेरात है ना कल जुमा है छुट्टी है लेटेस्ट फिल्म आई है पश्तो हम लेकर आए हैं पाकिस्तान से आई है इंडियन फिल्म लेटेस्ट बड़ी सुपरहिट फिल्म है अरे क्या कमाल की फ़िल्म साहब आइए ना चाय भी पियेंगे और फिल्म भी देखेंगे कहता नहीं मुझे कहता है मेरे साथ दोस्ती है और दोस्ती का इतना भी हक नहीं है मेरे मगर लाके तू फिल्म नहीं देख सकता यारी वड है वो कहना जनाब हमारा यारा जन्नत हमें यारा बहिशत मरूंगा तब भी तेरे साथ जन्नत भी तेरे साथ जहन्नम भी तेरे साथ और कयामत के दिन इन दोस्तों का हाल क्या होगा ये एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे वो इसको दे। खुद गुमराह था मुझे भी गुमराह किया मैं ते में उंगोली लाई थी मगर तो आप टूर सी मैं खींच के तो नहीं ले आया मैं तो सिर्फ सी डी का कवर दिखाया था कि देख कौन सी हीरोइन है इसमें छा ये वाली है मैं आता हूँ साहब सामान घर दे के आया बेगम से कहते हैं दफ्तरी काम जा रहा हूँ जरूरी काम भेजा है मुदीर में। और सारी रात फिल्में देखते हुए गुजार देते व राजिऊन जिसने इन बेहयाई के फितनों से अपने दामन को बचा लिया उसने ईमान का जायका चख लिया अल्लाह सबसे पहले कहने वाले को फिर हर सुनने वाले को इस फितने से महफूज रखे इसी तरह हराम माल का फितना आज के दौर में बहुत ज्यादा है बैंक से सूद मिल रहा है वो कहते हैं जी पोस्टर लगे में आपके पास गाड़ी नहीं है टेंशन क्यों लेते हो हम गाड़ी देने के लिए तैयार हैं पहली किस्त माफ दूसरी किस्त माफ तीसरी किस्त माफ चौथी किस्त में ऐसा गले के अंदर रस्सा टाइट करेंगे पुत्र सारी उम्र मगर लगा रहेगा हमारे कजीज ने बैंक से लोन लेकर कोठी बनाई कुछ अरसे पहले मेरा उनके पास जाने के तफाक हुआ मैंने पूछा ये आपने कोठी बनाई थी बैंक से लोन लिया था दस साल गुजर गए दस साल क्या सूरत हाल है कितना असल जर बाकी है कितना कर्ज अदा कर दिया कहने लगा भाई अल्लाह की कसम दस साल से हर साल सिर्फ सूद दे रहे हैं पूरी की पूरी रकम हमारे जिन बाकी है ये तमीज ही खत्म हो गई कि बैंक से लोन लेके मकान बनाने वाला तो मर के कबर में दफन हो जाएगा ये सूद इसके गले की हड्डी बन जाएगी इसको हिसाब देना होगा मजे इसकी औलाद करेगी बैंक से लोन लेके जरी आलात लेने वालों गाड़ियां लेने वालों सूद के मामले करने वालों और ना सोचने वालों ये हराम माल जो हम आ रहा है अगर हम कलमा गो हैं रब के सामने मुस्तफा के फरमान के मुताबिक अपने कदम को हरकत नहीं दे सकेंगे जब तक इस सवाल का जवाब ना दे माल कमाया कहां से था खर्च कहां पे किया था, और हराम की तमीज खत्म बैंक की तरफ जाकर अपने दामन को ना बचाइए आपकी कंपनियों के अंदर नहीं सूच चलता जिस कंपनी में तनख्वाह लेट हो जाती है जिसकी जेब भरी हुई है वो मजबूर लोगों से नहीं कहता सौरयाल चाहिए सौरियाल ले लो पगार मिलने पर एक सौ बीस लूंगा ये क्या है शीरे मादर समझ के पी जाने वालों ये सूद नहीं है तो क्या है हराम माल का फितना रिश्वत का फितना नशावर चीजों की खरीदो फरोख्त का फितना न बेचने वालों, बीड़ी बेचने वालों गुटखा बेचने वालों सिगरेट बेचने वालों ये हराम चीज बेच रहे हो पीने वाले को तो गुना है सूंगने वाले को तो गुना है बेचने वाले का गुना भी उससे कम नहीं है जहां सिगरेट पीने वाला गुनेगार वहाँ उस सिगरेट को बेचने वाला जहां नस्वार खाने वाला गुनेगार फम करने वाला सेल करने वाला बेचने वाला हराम लिबास का फितना आज वल्लाह दुख से यह बात कहनी पड़ती है इंसान अपनी नौजवान बेटियों नौजवान बेटों के साथ किसी बड़ी मार्केट में जा ही नहीं सकता गंदा ड्रेस गंदा लिबास वो एक बूढ़ी औरत ने इस तरह का ड्रेस देखा किसी के घर में तो कहने लगी पुत्री अपनी बेटी से कहने लगी बेटी एक वेले पाई जाए इससे तो ना जिसम छुप रहा है ना सतर छुप रहा है ये बेहयाई का लिबास किस वक्त पहनने का है और बाजार भरे हुए शॉपिंग प्लाजे भरे हुए हमारे घर भरे हुए हमारे घर का माहौल शादी का माहौल फंक्शन अटेंड करके देख लीजिए औरतें औरतों में जाती हैं तो नंगी मर्द मर्दों में जाता है तो नंगा टाइट पेंट नहीं देखी आपने जिसम का एक, एक एक अंग अंग जाहिर होता है उसकी पेंट से और वसल्लम फरमा रहे हैं ऐसे लिबास से बचो जो आपके आजा को आपके नंग को आपके जिसम को जाहिर करे और ये टाइट पैंट पहनने वालों को देख लो बेचारे नमाज पढ़ते हुए रुकू सजदे में जाते हैं कोई इनका पार्ट्स ऑफ बॉडी ऐसा है जो पिछलों को नज़र ना आता हो उसकी मोटाई उसकी चौड़ाई उसका जिसम वो कपड़े पहने हुए भी चुगली खा रहा है कि मैं नंगा हूं सिर्फ लोगों की आंखों में मैंने मट्टी छोली हुई है गंदे लिबास का फितना बेहयाई के लिबास का फितना और बचपन से माँ बाप तो बड़े खुश होते हैं हमारा बेटा पेंट शर्ट पहनता है माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा लगता है याद कर लो जिस बच्चे को बचपन से आपने गैर इस्लामी ड्रेस पहना दिया जिस बच्चे की पेंट बचपन से उसके टखने से नीचे रही वो जवान होकर टखने नंगे करेगा सोचिए अल्लाह के लिए तंस करना मकसद नहीं है इस दर्द को आपके और अपने सीने में जिंदा करना मकसद है टखने से कपड़ा नीचे हो मामूली गुना नहीं है बल्कि इमाम सलातु फरमाते है। जो कपड़ा टखने से नीचे है यह आग में है यह हिस्सा आग में है फारूक आदम जख्मी है बिस्तर पर पड़े हुए पेट फटा हुआ अंतरिया कटी हुई खून बह रहा एक नौजवान आपकी इयादत करके वापस जाता है अमीर उमर की नजर इस हाल में भी उसके टखने पर पड़ती है वापस बुलाते हैं कहते हैं भतीजे अपने कपड़े को ऊंचा कर तेरा दिल पाक रहेगा तेरा कपड़ा पाक रहेगा और जिसने अपने बच्चे को बचपन से ऐसा ड्रेस पहनाया जिसके टखने हमेशा छुपे हुए रहे वो बड़े होकर कब इस्लामी लिबास पहनेगा मैं जी मोरू सा लिबास है ईमान तो दिल में होता है ड्रेस से क्या होता है मैं आपको समझाने के लिए मिसाल देता हूँ इंडिया पाकिस्तान दोनों इलाकों के भाई मौजूद हैं पाकिस्तानी ब्रिगेडियर फौज का आर्मी का ड्यूटी पर जाते हुए इंडियन फ़ौज के ब्रिगेडियर की वर्दी पहन के चला जाए कोर्ट मार्शल होगा इसका नहीं होगा गिरफ़्तार हो दुश्मन की वर्दी पहन के आ गया वो लाख कहे मैं पाकिस्तानी मैं ओरिजिनल असली पाकिस्तानी मेरे दिल में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत का समंदर ठाठे मार रहा है वो कहेंगे तेरा जाहिर दुश्मन जैसा है इंडियन फौज का कर्नल पाकिस्तानी फौज के कर्नल का ड्रेस पहन के ड्यूटी पर चला जाए जाते हथकड़ियां लगेंगी तेरी जुर्रत कैसे हुई दुश्मन का ड्रेस पहन के आने की अरे मुस्तफा के दुश्मनों का लिबास हमारी बीवियां पहने हमारे बच्चे पहने हमारी औरतें पहने, हमारे जिस्म पे सजे और फिर भी हमारा दावा हो कि हम मोहम्मद से मोहब्बत करते हर्ज है अंदर से तो प्यार है ना जब प्यार अंदर होता है तो जाहिर को बदल देता है जिसके अंदर के प्यार ने उसके को चेंज नहीं किया, वो सोचे उसके अंदर का प्यार कैसा है अंदर से ला कहता रहे मुझे अल्लाह के नबी से बड़ी मोहब्बत है लेकिन रोजाना सुबह उठ के दाढ़ी शेव करता रहे इस दाढ़ी को प्यारे नबी की सुन्नत को गटर की गंदगी में बहाता रहे और कहते रहे नबी से बड़ा प्यार है अरे प्यार सच्चा होता तेरा चेहरा मोहम्मद जैसा बन जाता वसल्लम तू यहूद नसारा और मजूसियों जैसा मुंह बनाकर पैगाम दे रहा है मुझे मोहम्मद करीम का चेहरा अच्छा नहीं लगता यहूद नसारा का चेहरा अच्छा लगता है तेरी जुबान कहे ना कहे तेरा दिल पुकार पुकार कर तेरा अमल पुकार पुकार कर कह रहा है और अगर कोई आज के दौर में इन चीजों से दूर हो जाए वो अपने घर में टीवी ना रखे वो डिश ना लगाए वो केबल ना लगवाए वो शादी पे मूविया ना बनवाए वो अपनी बीवी को तैयार होकर देखने से पहले मूवी मेकर को ना दिखवाए वो जहेज ना ले वो बारात के ड्रामे ना करवाए वो दुनिया जहान की इन मुसीबतों से अपने दामन को बचा ले हर कोई क्या कहेगा? पता नहीं केडी दुनिया का बंदा है ये दौलत थी मखलूक थे नहीं हर बंदा उसको अजनबी समझेगा हमारे इत मतलब का नहीं है ये किसी और दुनिया में रहता भाई इसको छोड़ दो पागल हो गया ये आज के दौर में भी ऐसा बंदा याद कर लो मुस्तफा अरे सलाम का फरमान एक दौर आएगा फितनों का दौर दीन पे अमल करना इतना मुश्किल होगा जैसे मुट्ठी में अंगारे को बंद करना मुश्किल होगा एक रिवायत में आता है जो उस दौर में दीन पे पूरा अमल करेगा फितनों के दौर में जब दाढ़ी रखने वाले को मुल्ला, मुलवट्टा, सूफी मुलवाना, जब सलवार ऊंची करने वाले को जाए बकरियां चरान चल रहा है छोटे भाई की पहन आया है कपड़ा बचाने लग गया है बारिश तो नहीं हो रही कपड़े क्यों टोंग ले ही। जब बीवी को पर्दा देवर से जेठ से फूफे से खामिद के चचा से खामिद के मामू से कज़न से पर्दा करवाया जाए तो पता नहीं किस किस्म का इंसान है आजकल तो औरतें मर्दों से कंधे से कंधा मिला के चलती हैं। खाने इकट्ठे होते हैं होटल ऐसे नहीं मिलते जहां लेडीज का पोर्शन अलग हो उनसे कहो जी यहाँ औरतों का अलग इंतजाम नहीं कहता एडा गैरतमंद पहले कोई नहीं आया जिन्हें तू आए सारे कट्ठे बह के खाने तू पता नहीं कितों आ गए ऐसा दौर जो फितनों का दौर है इस्लाम पे अमल करना अंगारे को मुट्ठी में लेना है घर में पर्दे का निजाम राइज किया भाई नाराज बाप नाराज बहनोई नाराज देवर जेठ नाराज बाई काट अगर कोई ऐसे दौर में शरीयत पे अमल करता है फिर मुस्तफा का फरमान भी तो सुनो फितनों के दौर में ईमान पे इस्लाम पे अमल करने वालों को पचास बंदों के अमल के मुकाबले पर सवाब दिया जाएगा पूछने वाले ने पूछा ये पचास हम में से या उनमें से फरमाया बल मिन कुम। तुम्हारे पचास के बदले उस एक बंदे को अज़र मिलेगा जो फितनों के दौर में इस्लाम पे पूरा अमल करेगा आज कोई तोहीद को समझ जाए इस्लाम को समझ जाए वो कब्रों पे सजदा करने से इनकार कर दे वो सैयद ने अली को मुश्किल कुशा मानने से इनकार कर दे वो मुर्दों को दाता कहने से इनकार कर दे वो मुर्दों को गरीब नवाज बंदा नवाज बंदा परवर न माने वो ग्यारहवीं की खीर न दे वो मुहर्रम के घोड़े न निकाले वो रजब में कुंडे न भरे कहते हैं ये वा हो गया ये गुस्ताख हो गया इसको कौम से निकाल दो इसे आग कर दो इसका पानी रोटी अलग कर दो इसके साथ ताल्लुक तोड़ लो अरे सुनो जब कायनात वाले रब के लिए ताल्लुक तोड़ते हैं अर्श वाला बंदे से ताल्लुक जोड़ लेता है मर्जी है फितनों के इस दौर में अर्श वाले से ताल्लुक जोड़ लो या अर्श वाले को नाराज करके फर्श वालों से ताल्लुक जोड़ लो पसंद अपनी अपनी अल्लाह हमें इन फितनों के अयाम में अपनी शरीयत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए सही मुस्लिम में है इमामुल अंबिया अलैहि सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अमाली, नेकी करने में जल्दी करो नेक आमाल करने में जल्दी करो क्योंकि फितने आ रहे हैं फितनों पे फितना चढ़ा है जैसे अंधेरी रात में अंधेरे एक दूसरे पे चढ़ते हैं वैसे फितनों पे फितना चढ़ा है युसमु मोमिन इंसान सुबह करेगा मोमिन होगा शाम करेगा काफिर होगा शाम को मोमिन होगा सुबह को काफिर होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई बारिश वाली जगह मट्टी गारा उसमें सजदा किया सलाम फेर के पूछा मेरे सहाबा जानते हो आज रब ने क्या कहा है आका अलैहि अल्लाह सलाह रसूल आलम गैब की सारी खबरें रब के पास है रब जो चाहता है मुस्तफा को बता देता है हमें नहीं पता पताब ने कहा है बारिश के इस एक बारिश के नजूल से कुछ लोग काफिर होकर उठे हैं कुछ मोमिन होकर उठे हैं। जिसने ये कहा बारिश अल्लाह की रहमत है अल्लाह ने बरसाई है मोमिन हुए और जिसने कहा फला सितारे की वजह से यह बारिश बरसी है वो काफिर हुए आज के दौर की जुबान के मुताबिक ये बारिश बाबा जी ने कर्म किया है फला ढेरी पे बकरे की न्याज दी थी बारिश हो गई फला बेरी के नीचे चादर बिछाली बेटा हो गया फला कबर से अंगूठी मुंदर कड़े छल्ले तावीज मन के बाबा जी का थूक बाबा जी का नमक बाबा जी के टुकड़े बाबा जी की राख चाटी थी बीमारी खत्म हो गई जिसका ये खीदा हो गया वो काफिर होकर उठा मेरी बातें हो सकता है किसी भाई को सख्त लगे लेकिन याद रखना शुगर के मरीज को चीनी का चमचा दोगे उससे जल्दी मार दोगे हो सकता है नीम की गोली किसी की शिफा का सबब बन जाए मैंने आपसे चंदा तो लेना नहीं है हाथ तो फैलाना नहीं है ये गरम गरम बातें क्यों करता हूं मेरे दरस में आने वालो कयामत के दिन तुम में से कोई बंदा रब के दरबार में मेरा गिरेबान ना पकड़ सके इसने हमें हक बताया नहीं था तुम्हारे सामने वादे कर रहा हूं ये शिर्क है ये तोहीद है रास्ते खोल दिए हैं चाहे वाद ये शिर्क में गिर जाओ चाहे वाद ये तोहीद में आकर मुस्तफा के प्यारों में शामिल हो जाओ आज के दौर में बहुत से सेटेलाइट चैनल अपने घर घर में पहुंचा रहे हैं इमाम इब्न अबी शेबा रहिमहुल्लाह सही सनद के साथ अपनी किताब में हुज़ैफा बिन यमान से यह रिवायत जिक्र करते हैं उन्होंने फरमाया लयूशिकन अन युसब अलैकुम शर मिन अस-समाई हत्ता यबलुग मुझे खदशा है आसमान से तुम पे शर नाजिल होगा जो फियाफी तक पहुंच जाएगा कहने वाले ने कहा अब अब ये फियाफी किया है फरमाया बे आबाद बंजर जमीन वो भी इस फितने से महफूज नहीं रहेगी और अरबों की जुबान में अरबों की लुगत में असमां हर उस चीज को कहते आसमान असमांस इससे मुराद हर वो चीज लेते जो इंसान के ऊपर से आती और टीवी सेट भी हर उस फितने को पेश करता है जो मसनू स्यारों के जरिए ऊपर से उस तक पहुँचाया जाता है हती कि आज कल न जंगल बचे हैं न सहरा बचे हैं जंगलों के अंदर भी जाने के लिए पिकनिक मनाने के लिए जब जाते हैं तो डिश अटीने की लानत को साथ ले जाते हुए नहीं भूलते मुझे याद है फ़ीरों की एक बस्ती में एक मरतबा कुछ राशन बांटने का अल्लाह ने मौका दिया झोपड़ी थी वल्ला रब की कसम झोपड़ी थी झोपड़ी ऐसी कमजोर झोपड़ी कि बारिश आ जाए तो वो भी ना रुके मैंने अपनी आंखों से देखा झोपड़ियों में चूल्हा जलाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है लेकिन डिशन की लानत दरवाजे पे सजीवी है ये निशानी भी पूरी हो गई घर घर के अंदर घर घर के अंदर गाने हैं घर घर के अंदर डांस है घर घर के अंदर नाचने वाली कंजरिये हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु वसल्लम ने फरमाया था इंतवार करना जब लोग शराब को हलाल कर लें रेशम को हलाल कर लें लेंजिफ इन गानों को साज को मौसीकी को हलाल कर लें फिर इंतवार करना सुरख अंधेरियों का जमीन के फट जाने का धस जाने का और यह घर घर के अंदर पहुंच चुकी है घर घर तो छोटी बात है रब का घर भी बचा है जितने बैठे हो अपने अपने गिरेबान में झांको कितनों के मोबाइल में गाने भरे हुए हैं साज मौसीकी की बेल उन्होंने अपने मोबाइल पे सेट कर ली है कितने हैं जो दस दिनों के बाद फिर कंप्यूटर वालों के पास जाते हैं ए गाना ला के दिता सी ना पुराना हो गया जी नवी फिल्म आई ना ओ गाने रिंग टून बना के भरते गैरत खत्म हो गई ना मस्जिद की इज्जत रही ना रब की इज्जत का पास रहा मैं मिसाल देता हूं समझाने के लिए छेड़ने के लिए नहीं आपकी मस्जिद में कोई हिंदू आपकी मस्जिद में कोई ईसाई कोई यहूदी आ जाए टेप रिकॉर्ड उसके पास हो उसमें गानों की केसट लगाए और मस्जिद के अंदर आन करके बैठ जाए आपकी नमाज हो रही हो इमाम साहब कह रहे हो रब्बिल आलमीन और वो गाना लगा दे भले वो गाना आपका पसंदीदा ही क्यों ना हो सलाम फेरने के बाद इस हिंदू को जिंदा छोड़ोगे इसके साथ मोहब्बत करोगे कोई खान का बच्चा होगा तो गोली भी मार देगा बाकी शहर डंडे से गुजारा कर लें है ऐसा या नहीं अल्लाह के लिए मुझे जवाब दीजिए इस हिंदू ईसाई यहूदी को तो मारने के लिए आप तैयार हो इसने हमारी मस्जिद नापाक की इसने हमारी नमाज खराब की इसने अलहम शरीफ के मुकाबले पर गाने लगाए अरे जब आपके मोबाइल में गाने की टोन चलती है जो काम हिंदू करे तो मर जाए आप कर रहे हो कभी अपने आप से भी सवाल किया कि आपकी गैरत कहां मर गई इन्ना सही बुखारी में है वसल्लम की इस हदीस पे गौर कीजिए और मेरे नबी की सच्चाई मेरे नबी की दी हुई ख़बरें कैसी पूरी हुई अल्लाह के नबी सल व्लम चूँकि की तरफ से कलाम करते थे वहीं से आपने उन जंगों की खबरें दी जो मुसलमानों के दरमियान हुई और उन जंगों की ख़बरें दी जो मुसलमान और कुफ़ार के दरमियान भी होंगी शहादत ऊषमान और रवि के बाद सैदना आली और सैदना माविया के दरम्या जंग हुई छत्तीस हिजरी में सही बुखारी में अल्लाह के नबी ने फरमाया ला उस वक्त तक कायम नहीं होती तक ततिला जब तक दो बड़े लश्कर मुसलमानों के दो बड़े लश्कर आप इसमें जंग ना करें चुन उबई नुमाईमा उनके दरमियान बहुत बड़ी जंग होगी बड़ी खून रेजी, रेजी होगी बड़ा कत्ल होगा दावत हुमा वाहिदा दोनों की दावत दोनों का अकीदा दोनों का मनहज दोनों का ईमान दोनों की दावत एक होगी और ये जंग गलत फहमी की बुनियाद पर सैदना अली और सैदना अमीर माविया के दरमियान हो चुकी शहादत उस्मान के बाद हजरत माविया ने उनके खून का कसास मांगा सैदना अली ने कहा पहले मेरी हाथ पे बैत करो सैयदना अली हक पर थे कि पहले खलीफा की बैत की जाती सैयदना माविया का इश्तेद था और इश्तेहाद करने वाला गलती भी करे तो एक अजर उसको मिलता है लेकिन हक सैयदना अली के साथ था अहले सुन्नत का अकीदा है अगर सहाबा के दरमियान इख्तलाफ हो अगर सहाबा के दरमियान इख्तलाफ हो चूंकि दोनों से अल्लाह रावी है सब सहाबा से अल्लाह है, सहाबा के लिए जन्नती का सर्टिफिकेट पहुंच चुका है लिहाजा को दराश नहीं करते सबका अदब करते हैं सबका एहतराम करते हैं ना अमीर माविया को गाली देना जायज है ना सैयदी को गाली देना जायज है ना रायज है ना नास बनना जायज है अहल सुन्नत बनिए रवी अल्लाहन वरदा केवी अल्लाह हम पर वाजिब है दोनों के एहतराम कीजिए और दोनों के मामले को अल्लाह पर छोड़ दीजिए लेकिन याद कीजिए यहाँ क्या कहा जा रहा है दावत वाहिद दावत दोनों की एक पुकार दोनों की एक मनहत दोनों का एक ईमान दोनों का एक अकीदा दोनों का एक कुरान दोनों का एक इसीलिए जब जंग खत्म हुई अबुल हसन हुसैन सैयद ने अली से पूछा गया अपने अपने मकतूलों पर जनाबा पढ़े कहा नहीं सबको इकट्ठा करो अली सबका जनाजा पढ़ेगा सैदना माविया के ईमान का इनकार करने वालों अगर माविया मोमिन ना होते अली उनके कत्ल होने वालों का जनाजा कभी ना पढ़ते रसूल उनके बारे में कभी ना कहते कि इन दोनों की दावत एक है अहले सुन्नत साहबा के बाहमी में पर खामोशी इख्तियार करते हैं इसी तरह क्यामत की निशानियों में से एक निशानी ख़वारिज का फितना खारजियों का गिरोह नमूदार हुआ उम्मत में से साहबा कराम के मनहज को छोड़कर कुछ लोग फिरकों में बट गए और इन फिरकों में से गुमराह फिरका खवारिज का फिरका है जो असल में सैयदना अली अली के साथ ही थे जब सैयदना और माविया की जंग हुई सैयदना माविया के लश्कर ने, ने नेजों पे कुरान हकीम को बुलंद किया कि हम कुरान पे फैसला करते हैं एक हकम सैयदना माविया की तरफ से और एक सैयदना अली की तरफ से मुक्र हो गए जंग खत्म हो गई उनके ऊपर फैसला छोड़ दिया गया कि तुमने फैसला करना है तुमने रिपोर्ट देनी है तो एक गिरोह उठा उन्होंने कहा हुक्म तो खास अल्लाह के लिए है इल्ला लिल्लाह, तुमने इंसानों को हकम बनाकर कुफर किया हालांकि उनका यह बातल है अल्लाह मिया बीवी के अख्तलाफ के मौके पर कुरान हकीम बयान करता है कि दो आदमी हकम बन जाए एक बीवी के अहल से और एक हामिद के अहल से और मिलकर फैसला करें कुरान खुद बयान करता है उनका जुमला सच्चा था लेकिन इस जुमले से जो मुराद ली जा रही थी वो बापिल थी हजरत अली जब वापस कोफे की तरफ आए तो ये गिरोह अलग हो गया और एक बस्ती में क्याम किया खारजों के अकीदे क्या हैं गुनाहे कबीरा करने वाले इंसान को यह काफिर जानते हैं जिना चोरी शराब गुनाहे कबीरा अगर किसी मुसलमान से हो जाए गुनाहे कबीरा माफी मांगेगा तो अल्लाह माफ करेगा लेकिन इस गुनाह की वजह से इंसान काफिर एक शख्स ने शराब पी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया सज़ा मिली वापस चला गया कुछर से बाद फिर लाया गया फिर शराब पी के इसी जुर्म में फिर आया फिर सज़ा मिली फिर चला गया तीसरी बार जब आया सज़ा मिली तो एक सहाबी ने कह दिया अल्लाह इस पर लानत करे कितनी बार इसको सज़ा मिली है और ये कितनी बार यही अमल करता है अल्लाह इस पर लायनत करे मुसलमान पे लाइनत करना रसूल ने फौरन टोका हजरनाक होगी लानत ना करो शैतान की मदद ना करो इसके ऊपर इसको लानत ना करो तुम नहीं जानते ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है गुनाहे कबीरा की बगैर माफी के ये गुनाह माफ नहीं होता इस पर माफ़ी मांगना जरूरी है गुनाहे सगीरा नमाज पढ़ने से माफ़ हो जाएगा वधू करने से माफ़ हो जाएगा उम्रा हज करने से माफ़ हो जाएगा लेकिन कबीरा गुनाह पर माफ़ी मांगना ज़रूरी है लेकिन खारजों के अकीदे में से एक कीदा ये है कि जिससे गुनाह हो जाए कबीरा वो उसको काफिर मानते थे और हमेशा का जहन्नमी मानते थे वो अली और सैदना माविया दोनों सहाबा का दोनों सरदारों का और दोनों सादात का को काफिर कहते थे और उनके ईमान का इनकार करते थे और सहाबा की वो तमाम तादाद जो इस सुलह के मसले पर इस हकम के मसले पर रावी हुई उन तमाम सहाबा को काफिर कहते थे वो खवारिज के अक़ायद में से ये है कि वो मुसलमान हाकिम मवाहिद हाकिम कलमा गो अहले हुकाम, जिनसे गुनाह हो जाए फिस फजूर हो जाए उनके साथ लड़ने को जायज़ मानते थे अगरचे उन्होंने कुफरे बवाह ना किया हो मुसलमान हुक्मरान अगर उससे गुनाह होता है फिर इसको फजूर होता है तो उसके साथ इस्लाम लड़ने की इजाजत नहीं देता खुरूज की इजाजत उस वक़्त मिलती है जब खुला ओपन कुफरे बबा कर ले और तब भी खरोज तब करना है जब इतनी ताकत हो कि इस फितने को ख़त्म करके तुम अमन और सुकून ला सको सही बुखारी में है अब सईद रजी अल्लाह से बयान है फरमाते है, एक दफा अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर थे आप माल गनीमत माल बाट रहे थे एक शख्स आया बनू तमीम से उसका था उसने खड़े होकर कहा अल्लाह के रसूल इंसाफ कीजिए माल बांटने में इंसाफ से माल बांटिए क्या मतलब कि आप इंसाफ नहीं कर रहे रसूलुल्लाह वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तुझे तबाह करे अगर मैं इंसाफ नहीं करूंगा तो कौन इंसाफ करेगा अल्लाह तुझे तबाह करे हलाक करे बर्बाद करे अगर मैं इंसाफ नहीं करूंगा तो कौन इंसाफ करेगा अगर मैं रसूल होकर अदलो इंसाफ ना कर सका तो मैं तो नाकाम और ना मुराद हुआ उमर ने कहा या रसूल सल्ला इजाजत दीजिए इस जालिम की गर्दन को मैं काट दू आपने कहा नहीं छोड़ दो ये और इसके साथी ऐसे होंगे ये खवारिज का बहुत बड़ा आदमी था ये और इसकी नस्ल इसके आदमी इसके साथी ऐसे होंगे अगर तुम में से कोई सहाबा में से कोई अपनी नमाज को इन खारजियों की नमाज के मुकाबले पर पेश करेगा अपनी नमाज को हल्का पाएगा अपने रोज़े को इसके मुकाबले में बेबुकत पाएगा और ये कुरान बहुत पढ़ेंगे लेकिन इनका कुरान पढ़ना इनके गले से इनके हलक से नीचे इनके दिल में नहीं उतरेगा और ये ईमान से ऐसे निकले हुए हैं ये खवारिज मुसलमानों की तकफीर करने वाले मुसलमान अहले की तकफीर करने वाले गुनाहों की वजह से ये ईमान से ऐसे निकले हुए हैं जैसे तीर तेजी से शिकार में से निकल जाता है इनका ईमान और इस्लाम से ताल्लुक नहीं है इसी तरह क्यामत की निशानियों में से एक निशानी झूठे नबियों का जहूर अलैहि वसल्लम ने फरमाया और ये हदीस सही बुखारी में है ला तक

उनकी तादाद तीस होगी वगरना दावेदार तो बहुत ज़्यादा होंगे और उनमें से हर कोई ये गुमान करेगा कि मैं सच्चा अल्लाह का रसूल हूँ मिर्जा गुलाम अहमद काद यानी माजी करीब के अंदर एक झूठा गुजरा है वो अपनी किताब में लिखता है कि रसूल अल्लाम पर जिस तरह वही आती है फरिश्ते आते थे मिर्ज़ा ग़ल अहमद कहता हैं मेरे ऊपर भी वही आती थी मेरे ऊपर भी फरिश्ता आता था और जब मुझे पैसों की ज़रूरत होती टाँधी खेड जब मुझे पैसों की जरूरत होती तो एक फरिश्ता मुझे पैसे पहुंचाया करता था और उसका नाम था टीची टीची मैं कहता हूं कि अरबी जुबान में टे नहीं है ते है तो नुकतों के साथ ते है लेकिन टे ये हमारी उर्दू जुबान में है इंग्लिश में टी है अरबी में इसलिए आपने अरबों को सुना वो टी नहीं कहते ती कहते ती टे नहीं है जरा टीची टीची फरिश्ता आंदा मूँ लगता है कि तो बरतानिया तो ही के से। में तो टे है नहीं ये अंग्रेजों का बनाया हुआ नबी और अंग्रेजों के भेजे फरिश्ते जैसी मैयत वैसी वैसे ही फरिश्ते अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया तीस के करीब कज्जाब और दज्जाल झूठे नबूवत के दावेदार होंगे और ये निशानी भी जाहिर हो चुकी कदीम और जदीद दौर के अंदर नबूवत के दावे करने वालों ने एक ने नबी वम के असद अंसी ने नबी वम के दौर में मुर्तद हुआ और नबूवत की का ऐलान किया और ये पहला शख्स जो मुर्तद हुआ इमाम के दौर में मुस्लत अहमद में है अल्लाह के नबी ने खुतबा देते हुए फरमाया अल्लाह की कसम क्यामत कायम ना होगी जब तक झूठे जाहिर ना हो जाए और इस सिलसिले की आखिरी कड़ी काड़ा दज्जाल है सबसे बड़ा दज्जाल इस सिलसिले की आखिरी कड़ी है अबू दाऊद में है अल्लाह के नबी ने फरमायामत उस वक़्त तक कायम ना होगी जब तक मेरी उम्म के कुछ कबाइल ये अबू दाऊद हदीस नंबर चार हज़ार दो सौ बावन हदीस पर गौर करना क़ियामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत के कुछ लोग मशरक़ी से ना मिल जाएँ कुछ कबाइल दोबारा मशरक़ैन से ना मिल जाएँ और वह बुतों की पूजा ना करें मेरी उम्मत में तीस तज्जाल ज़ाहिर होंगे और हर एक ये गुमान करेगा कि वो नबी है हालाँकि मैं ख़ातमनबीन हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं है इसमें एक इस हदीस में एक तो इशारा है तीस झूठे नबियों का और एक इशारा है दोबारा बुतों की पूजा का तो हिंदू बुतों को मट्टी का बुत बनाकर बाहर रख कर पूजता है और हम जब इंसान मर जाता है उसको कब्र में दफना कर मट्टी में बंद करके फिर पूजते हैं मामला वही है ये खड़े को पूज रहा है ये लंबे पड़े को पूज रहा है ये इसको देवता कह रहा है और ये इसकी दर पे आकर चीखे मार रहा है ये उसी चीज़ की तरफ निशानी है जिसकी अल्लाह के नबी ने खबर दी थी इसी तरह अमन और खुशहाली की कसरत होगी मुस्त अहमद में है अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक सरजमीन अरब दोबारा बागात और नहरों की इसमें कसरत ना हो जाए यहाँ तक कि एक सवार इराक़ से चलकर मक्का पहुँचेगा और इसे दौरान सफ़र रास्ता भूलने के अलावा कोई खौफ ना होगा अलबा हर्ज की कसरत होगी साहबा ने पूछा ये क्या चीज़ है तो आप सल्ला ही सल्लम ने फरमाया कसरत से खून रेजी और कतल हिजाज से एक बड़ी आग का जहूर होगा क़्यामत की निशानियों में आपने खबर दी उन ख़बरों में से एक ख़बर ये भी है कि अर्ज हिजाज से मदीना शरीफ के करीब एक ज़बरदस्त आग जाहिर होगी और उलमा ने लिखा है कि ये आग छः सौ चौवन हिजरी में जाहिर हो चुकी अलामा इबिन कसी राह फरमाते हैं अर्ज हिजाज से वो अजीम आग जाहिर होगी जिससे बसरा के ऊँटों की गर्दने रोशन हो जाएंगी सही बुखारी में है रसूल ने फरमायामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक ऐसी आग जाहिर ना हो जिससे के होटो की गर्दनें रोशन हो जाए और ये आग तीन माह तक मौजूद रही और ये आग इस कदर शदीद थी कि मदीने की औरतें इस आग की रोशनी में अपने सूत काता करती थी जमातुल आखिर छः सौ चौवन हिजरी की तीन तारीख बुध की रात मदीने में एक होलनाक आवाज सुनाई दी और फिर उसके बाद जल्जिला आया और ये जल्जले का के झटके सिलसिला ये दराद रहा जुमातुलमबारक के दिन तक फिर इसके बाद वो अजीम आग जाहिर हुई तुर्कों से जंग क्यामत की निशानियों में से एक निशानी है अल्लाह के नबीम ने इस मार्के की भी खबर दी सही बुखारी में है आपने फरमाया ला तक हदताक उस वक्त तक क्यामत कायम नहीं होगी जब तक तुम तुर्कों से किताल ना कर लो शिगार हम्र वुजूह ये तुर्की इनकी आँखें छोटी और इनके चेहरे सुर्ख होंगे क्यामत उस वक़्त तक कायम ना होगी जब तक तुम छोटी आँखों वाले सुर्ख चेहरे वाले चिपटी नाक वाले तुर्कों से किताल ना कर लो इनके चेहरे गोया ऐसी ढाले होंगी जिन पे चमड़ा लगाया हुआ होता है क्यामत कायम ना होगी जब तक तुम एक ऐसी कौम से किताल ना कर लो जिनके जूते बाल वाली जिल्द के बने हुए होंगे इस हदीस के बयान में तुर्क लोगों से मुराद वो तातारी हैं जिन्होंने छः सौ छप्पन हिजरी में मुख्तलि मुसलमान मुल्कों के अंदर तबाहियाँ फैला दी और फिर अल्लाह का तकादा अल्लाह की हकमत का तकादा ये हुआ कि इन्हीं में से ये लोग मुसलमान हो गए इसी तरह कोड़े बरसाने वाले जालिम हुक्मरानों का जहूर अल्लाह के नबी व ने ख़बर दी कि ऐसे जालिम जाबिर हुक्मरानों के कारिंदे होंगे जिनके हाथ में दुर्रे कोड़े होंगे जिस तरह बैल की दुमें होती हैं मुस्नद अहमद में है अल्लाह के नबी ने फरमाया आखिरी ज़माने में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास गायों की दुमों जैसे कोड़े होंगे ये जालिम अल्लाह की नाराज़गी की हालत में सुबह करेंगे और उसके गज़ब की हालत में शाम करेंगे सही मुस्लिम में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नमियों की दो किस्में ऐसी हैं हैं जिने मैंने अभी तक नहीं देखा इन में से एक लोग तो वो हैं जिनके पास मुस्लिम फरमाते हैं। के ने फरमाया, अगर तुम्हारी ने वफा की तो बहुत मुमकिन है तुम तो एक ऐसी कौम को देखो जो अल्लाह की नाराजगी की हालत में सुबह करे और अल्लाह की नाराजगी की हालत में शाम करे इनके हाथों में गाय के दुम जैसे कोड़े होंगे अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें गुनाहों से दूर रहने की तौफीक अता फ़रमाए हमारे दिलों में पड़े हुए जंग को अल्लाह अपनी रहमत से धो दे हमें ज़िंदा रखे ईमान पे रखे अल्लाह हमें मौत दे इस हाल में दे अल्लाह हम से रावी हो हम अपने अल्लाह से रावी हो अकोल कवली वक फ़िर वसामसलम फिर